अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग सीरीज की एक और वीडियो में खुशामदी। आज की वीडियो में हम आपको एल्युमिनियम की स्लाइडिंग विंडो बनते हुए दिखाएंगे। इसका काम शुरू होता है मेन फ्रेम की एक साइड में रबर सील डालने से। ये रबर शीशे को ग्रिप देती है और रगड़ खाने से बचाती है। फिर यही रबर फ्रेम की तमाम साइड्स में लगाई जाती है। और फिर इन तमाम साइड्स को जोड़कर एक मेन फ्रेम तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इस मेन फ्रेम के अंदर वाले स्लाइडिंग फ्रेम्स तैयार किए जाते हैं और इनको मेन फ्रेम में फिट किया जाता है। फिर इन स्लाइडिंग फ्रेम्स पर विंडो लॉक लगाया जाता है। इसके बाद जब ये छोटे फ्रेम तैयार हो जाते हैं तो इनके अंदर लगाने के लिए शीशा लिया जाता है। इसको विंडो के साइज के मुताबिक काटा जाता है और रबर लगाकर इसकी साइडें रैप कर दी जाती हैं ताकि ये फ्रेम के अंदर टक्कर खाकर टूटे ना और फ्रेम के अंदर अच्छे से फिट हो सके। और इस तरीके से शीशे को विंडो के स्लाइडिंग फ्रेम में फिट कर दिया जाता है। और इस तमाम प्रोसीजर के बाद इस स्लाइडिंग विंडो फ्रेम को टेस्ट किया जाता है और इस तरह से ये विंडो तैयार हो जाती है।